अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं वीर ताहिर अली ग्रीन एवेन्यू कॉलोनी मस्जिद ख्वाजा महमूद से बोल रहा हूँ। ईद के दिन रात में जो है सो 2 बजे के आसपास तकरीबन 150-200 हमला पुलिस का घुस गया ग्रीन एवेन्यू कॉलोनी में, आके सीधा जो है लोगों को जो है ना ब्लॉक कर दिए, घरों को जो है सो पूरा बंद कर दिए, फोना खींच लिए बच्चों के पास से, लेडीज़ पुलिस भी घुस गई अंदर, घुस के पूरा नाकाबंदी करके रात और रात पूरा जो है तकरीबन 5 से 7 बड़े बड़े इटाची और बड़े बड़े जो है ना लारी क्या जो है ना बड़े बड़े लारियाँ लेके आके धनाधन तोड़ दिए। काफ़ी पुलिस थी, किसी को अंदर आने नहीं दिए। तकरीबन आजू बाजू से तकरीबन 1-1 किलोमीटर दोनों तरफ पूरा बैरियर्स ला के बंद कर दिए, कोई आदमी आ सकता ना जा सकता नहीं। हम फौरन जो है सुबह में असदुद्दीन साहब से कांटेक्ट में आए, उन्होंने फौरन जो है फ़ोन उठाए, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। उसके बाद उन्होंने बोले देखो बाबा आपका काम इंशाल्लाह हो जाएगा, आप फिक्र मत करो। फिर उसके बाद में हम लोग जो है सो हमारे कौसर मुहिद्दीन साहब को दिए भाई, कारवा MLA साहब और राजेंद्र नगर कॉन्टेस MLA साहब रैना फिर साहब को दिए और आपके साथ कॉर्पोरेटर जीते उन सबको भी दिए। देख के हम लोग पूरे जो है सो कलेक्टर ऑफिस गए। सुबह में हमारे को 11 बजे बोलेंगे भाई आपको जो है सो आपको मस्जिद में नमाज पढ़ने का परमिशन दिया जाएगा, मगर ऐसा नहीं करे वो लोग। तकरीबन 2 घंटे बिठाए, उठाने के बाद में हमारे को भिजा दिए 4 बजे आइए बोले। 4 बजे आने के बाद में काफ़ी हमारे अंदर जाके बातचीत थी, उन कुछ तैयारी नहीं हो रही, खामोश बैठे हूँ कर रहे हैं बस, कुछ भी नहीं बोल रहे। ठीक है देखा जाएगा। फिर उसके बाद में बाहर जो है सो कौसम मुहिद्दीन साहब रहमान बेग साहब और आपके जितने भी कॉर्पोरेटर से हिमाचल के पूरे लोग मिलकर धरना दिए। धरना देने के बाद में जो है सो काफ़ी देर तक धरने, उसके बाद में पुलिस के बड़े बड़े गाड़ियाँ आए, पूरे तकरीबन 100-150 आदमी को डाल के 2 पुलिस स्टेशनों में लेके चले गए। रात में तकरीबन 11 बजे तक उन लोगों को वहाँ पर बंद करके रखा गया, उसके बाद में 11 बजे के बाद छोड़े। असद साहब कंटिन्यू जो है सो हम लोग से जो सो कॉन्टैक्ट में जारी थे। उसके बाद में बोले बेटा आप फिक्र मत करो, आपका काम हो जाएगा, आप फिक्र मत करो इंशाल्लाह काम हो। हम जो है सो असदुद्दीन साहब का शुक्रिया अदा करते हैं और जो है सो तमाम जितने भी लोग हैं आपके कारपोरेटर उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। सुनिए उसके बाद में हम लोग आ गए सुबह में। आने के बाद में 3 रूम में एक कमेटी बनाई गई, वो कमेटी जो है सो सुबह में मेरे से कॉन्टैक्ट में आई, वो लोग आके पूरे तमाम चीज़ों तफसीलात मेरे से लिए। लेने के बाद में जो है सो वो लोग कमेटी ले आके वहाँ सबमिट कर दी। सबमिट कर देने के बाद में वो लोग जो है सो ये हमको तयन दिए कि भाई आप अलहमदिल्ला आप नमाज पढ़ सकते हैं। तो मैं इस बात से जो है सो हमारे असदुद्दीन साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और जो साथ में TRS गवर्नमेंट KCR साहब KTR साहब तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू।